हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ शेयर करने वाला हूँ, जहाँ पे मैं आप लोगों को लास्ट में कोविड का अपडेट भी, आज का डेट का लेटेस्ट जो अपडेट है वो भी शेयर कर दूंगा। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं इस चैनल में कुछ सिलेक्टेड इन्फॉर्मेशन ही आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, मगर आप लोगों में से अगर कोई डेली कतर का न्यूज़ देखना पसंद करता है, सुबह से शाम का क्या क्या टोटल हुआ एक लाइन में, टोटल 2 से 4 मिनट का अंदर टोटल 10 से 12 न्यूज़ एक साथ अगर देखना पसंद करता है, यहाँ पे मैं उसका लिंक दे रहा हूँ। ये भी मेरा ही चैनल है, क्योंकि अगर कतर में जाने के बाद मैं ऐसा डेली ब्लॉग नहीं कर पाया तो वहां पे मैं सिर्फ ऑडियो के थ्रू टोटल न्यूज आप लोगों को दे सकूं। ओके, तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आज का वीडियो का। यहाँ पे पहला न्यूज जो आ रहा है, यहाँ पे आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं, 2 पर्सन सेंटेंस्ड फॉर एम्बेजलिंग 3 मिलियन रियल्स। इसका मतलब क्या होता है, 2 लोगों को 3 मिलियन रियल लूटने के लिए पनिशमेंट दिया गया है। 3 मिलियन रियल मतलब आप लोग समझ सकते हैं 30 लाख रियल। ओके, तो यहाँ पे 1 रियल का अगर 20 रुपए होता है तो 30 लाख रियल का कितना होता है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, 6 करोड़ के करीब होता है। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ था, मैं आप लोगों को स्मॉल में बता दे रहा हूँ। इंडिया में तो ये अक्सर होते रहता है, पाकिस्तान बांग्लादेश के बारे में मुझे पता नहीं है ऐसा होता है कि नहीं होता है। आप लोग को अगर पता है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। यहाँ पे 2 लोग विक्टिम से बिजनेस में डिपॉजिट करने के लिए 2 अलग अलग बार, एक बार 3 मिलियन रियल और एक बार 50,000 रियल ले लिया था, और विक्टिम भी इन लोगों को पैसा दे दिया था वगैरह उसका लाइसेंस देखे। और ये लोग विक्टिम को बोले थे कि हम लोग एक बिजनेस स्टार्टअप करने जा रहे हैं, जहाँ पे हम लोग हर महीने आप लोगों को 13,000 रियल का प्रॉफिट देंगे। मगर जब विक्टिम ने उन लोगों को पैसा दे दिया, उसके बाद जब पैसा देने का बारी आया तो प्रॉफिट तो दूर का बात, उन लोगों ने मेन जो पैसा, मेन प्रिंसिपल अमाउंट जो है 3 मिलियन एंड 50,000 रियल, वो भी देने के लिए रिफ्यूज कर दिया। ओके, तो इसके लिए उन लोगों के ऊपर केस चला, सिविल कोर्ट में उसका केस चला, जहां पे उन लोगों को 1 साल का जेल और दोनों लोगों को इंडिविजुअली 10,000 रियल का फाइन हुआ, और जो प्रिंसिपल अमाउंट है 3 मिलियन एंड 50,000 टोटल अमाउंट उन लोगों को रिटर्न देने के लिए कहा गया। और ये जो घटना हुआ आज का डेट का घटना है, ऐसा इंडिया में अक्सर होते रहता है, मगर ऐसा कतर में आप लोग नहीं कर सकते, अगर कोई ऐसा करने के लिए सोच भी रहा है। ये तो एक एग्जांपल था, ऐसा बहुत सारे घटना हो रहा है। किसी भी टाइप का फ्रॉड अगर आप लोग कतर में करना चाहते हैं तो आप लोगों को विदेश में जाके जेल हो जाएगा, तो काइंडली किसी से फ्रॉड ना करें, किसी का पैसा ना ले ले। तो चलिए अभी आप लोगों को मैं बता देता हूं कि आज के डेट का कोविड अपडेट क्या है। तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि लास्ट 24 घंटे में टोटल 473 कोरोना का पॉजिटिव केस आया है, जहाँ पे रिकवरी केस जो है वो ओनली 440 केस दर्ज किया गया है। यहाँ पे लास्ट 24 आवर्स में 49 ईयर्स ओल्ड एक आदमी को इस कोविड की वजह से अपना जान गंवाना पड़ा, और अभी तक ये आंकड़े 259 तक पहुँच चुका है। और यहाँ पे लास्ट 24 घंटे में टोटल 7 लोगों को आईसीयू में भर्ती किया गया, और टोटल 99 लोगों का अभी आईसीयू में ट्रीटमेंट चल रहा है। तो यही था आज का डेट का लेटेस्ट कोविड अपडेट और आज का इंपॉर्टेंट अपडेट। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो का एक लाइक जरूर कर दीजिए, और आज का डेट का सारे के सारे लेटेस्ट अपडेट एक साथ पाने के लिए स्क्रीन के ऊपर जो लोगो आ रहा है इसमें क्लिक करके डायरेक्ट आप लोग उस चैनल में घुस सकते हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ।